जानलेवा हमले में घायल हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। न्यू जर्सी पहुंचे ट्रंप सुरक्षा घेरे में प्लेन से उतरते दिखे। हमले के बाद ट्रंप ने किया समर्थकों को ईमेल, कहा मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। ट्रंप की टीम ने हमले के दौरान की एक तस्वीर जारी की है। पोस्टर में दिखाया गया है कि ट्रंप के पीछे एक प्रतिबिंब उनके कंधे पर हाथ रखे हुए है, दूसरा हाथ से गोली रोकते हुए लिखा ईश्वर ने बचाया। हमले के बाद हेलीकॉप्टर से मौके की सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी की, आसपास के इलाकों में भी तलाशी जारी। गोली लगने के बाद घायल ट्रंप की कई तस्वीरें सामने आई। एफबीआई ने 20 सालों के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को हमलावर माना है। एफबीआई ने कहा है कि थॉमस ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की, ट्रंप की पार्टी से जुड़ा था थॉमस। ट्रंप पर हमले को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बयान, हमलावर की मंशा अभी साफ नहीं है, जांच चल रही है। मौके पर एफबीआई एजेंट और दूसरी एजेंसियां मौजूद हैं। ट्रंप पर फायरिंग को लेकर सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को अमेरिकी संसद की कमेटी ने तलब किया है, समन भेजकर सवाल जवाब के लिए सोमवार को बुलाया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में संबोधन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला, गोली लगने से ट्रंप हुए घायल। गोली लगने के बाद ट्रंप की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। गोली लगने के बाद मंच पर गिरे ट्रंप, कान से काफी खून बहता हुआ दिख रहा है इस तस्वीर में। मंच पर संबोधन के दौरान ट्रंप को पीछे से मारी गई गोली, घायल होने के बाद भी ट्रंप ने हाथ उठाते हुए ललकारा, कहा हम लड़ेंगे। ट्रंप पर गोली चलाने वाला शूटर ढेर, सीक्रेट सर्विस से जुड़े स्नाइपर्स ने शूटर को मार गिराया। शूटर ने एआर स्टाइल राइफल से 8 राउंड फायरिंग की, फायरिंग में एक नागरिक की भी मौत, 2 घायल। ट्रंप को गोली लगने से ठीक पहले की तस्वीर भी सामने आ गई है, कान को छूते हुए गोली निकली। हमलावर को लेकर एक और खुलासा, ट्रंप से 300 मीटर दूर बिल्डिंग पर था शूटर, स्नाइपर से ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की। आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप का घायल होने के बाद पहला बयान, कहा मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात कर जाना हाल, बाइडेन ने कहा अमेरिका में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा मैं राहत महसूस कर रही हूं कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, फायरिंग की निंदा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने हमले पर कहा कि हमारी डेमोक्रेसी में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा सीक्रेट सर्विस को त्वरित कार्रवाई के लिए आभार। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप पर हमले की निंदा की है, हमले को लेकर चिंता जताई, कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, ट्रंप के जल्द स्वस्थ ठीक होने की भी कामना की। ट्रंप पर हमले को लेकर बोले राहुल गांधी ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को संदिग्ध की सूचना दी लेकिन अनदेखी की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि राजनीतिक हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि हमें हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए।